शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मैं हूं अमिताभ, देख रहे हैं मेरिट इंडिया खबर। बढ़ते वाली खबर की तरफ, पहला खबर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि आने वाले दिनों में जितने भी एटीएम से और जितने भी बैंक से वहां पे आप यूपीआई पिन के थ्रू भी पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। अभी अगर आप किसी भी एटीएम में जाते हो तो आपको एटीएम कार्ड लेके जाना पड़ता है, फिर जाकर आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, या फिर आपको एसबीआई यूनो के थ्रू आप एटीएम से पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। वैसे इस तरह का फीचर सिलेक्टेड बैंक ऑफर करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जितने भी बैंक से और जितने भी एटीएम से सभी जगह पे आपको इस तरह का फीचर देखने मिलेगा। आप बिना एटीएम का भी पैसा विड्रॉ कर पाओगे एटीएम से आने वाले दिनों में। अगला खबर है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को लेके, और रिपोर्ट का यह दावा है कि 2030 तक अभी जितना भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या फिर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है उनसे 24 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा 2030 तक। यानी कि 2030 तक आपको भारत में ही अकेले 17.69 मिलियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स देखने को मिलेंगे रस्ते पे। अभी फिलहाल 0.75 मिलियंस आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स भारत में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये 2030 तक बढ़कर 17.69 मिलियन हो जाएंगे। वैसे ये रिपोर्ट है तो जो नंबर है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर में जितने भी कंपनीज काम कर रहे हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आप रिसेंट के ट्रेंड्स को भी देखोगे तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, और इसे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी कर रही है। अगला खबर है बाउंस इन्फिनिटी की तरफ से, और ये कंपनी अब इलेक्ट्रिक ईवन स्कूटर्स को बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। इन्होंने ये जो इलेक्ट्रिक ईवन स्कूटर है इसको अनाउंसमेंट किया था दिसंबर में, और अब जाकर इन लोगों ने अपना पहला बैच भी डिस्पैच कर लिया है। और इनका जो प्लांट है वो आपको भिवंडी राजस्थान में देखने को मिलेगा, और उनके प्लांट में हर साल 2 लाख से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने का कैपेसिटी है। और इस कंपनी का ये प्लान है कि ये लोग साउथ इंडिया के किसी स्टेट में और एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए जहाँ पे 5 लाख से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर को हर साल बनाए। आने वाले दिनों में ये लोग 10 सिटीज़ में 300 से ज़्यादा बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को बनाएंगे, तो इनका काफ़ी बड़ा एम है, और इससे कहीं ना कहीं भारत के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और जितने भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दाम कमेगा, और इससे कहीं ना कहीं कस्टमर्स को ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और हम लोग भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में आत्मनिर्भर बनेंगे। वैसे आपको इसमें क्या कहना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला खबर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से, और इन लोगों ने पहला मेड इन इंडिया ड्रोनर 228 एयरक्राफ्ट को डिलीवर किया है अलायंस एयर को। और ये जो अलायंस एयर है इन्होंने 2021 में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया था 2 सिविल ड्रोनर 228 एयरक्राफ्ट के लिए। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये 17 लोगों को कैरी कर सकता है, और इसे नॉर्थ ईस्ट में यूज़ किया जाएगा इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए, इसे यूज़ किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। अगला खबर है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से, और इन लोगों ने यह कहा है कि इन लोगों ने अब जाकर AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स को भी क्रिएट कर दिया है। और अगर आपने बजट 2022 को सुना है तो आपको ये पता ही होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यह अनाउंसमेंट किया था कि एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स को क्रिएट किया जाएगा, और अब जाकर 2 महीनों के बाद ये प्रमोशन टास्क फोर्स को भी क्रिएट कर दिया गया है, ताकि ये जो टास्क फोर्स होगा ये एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक इन सेक्टर्स में ये लोग फोकस करेंगे, और ग्लोबल डिमांड क्या है, भारत में किस तरह का डिमांड है और इसे किस तरह से हैंडल करना चाहिए, ये प्रमोशन टास्क फोर्स का काम है। और ये लोग आने वाले 90 दिन के अंदर में पहला प्लान ऑफ एक्शन गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। अगला खबर है टाटा न्यू की तरफ से, और मैंने आपको कल ही ये न्यूज़ दिया था कि टाटा ग्रुप ने अपना सुपर ऐप टाटा न्यू को लॉन्च कर दिया, और इसको अभी तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने गूगल प्ले स्टोर से ही अकेले डाउनलोड किया है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लीचेस पाए गए हैं और ये ऐप काफ़ी ज़्यादा स्लो है, मतलब अमेज़न और फ्लिपकार्ट से भी काफ़ी ज़्यादा स्लो है इसका सर्च इंजन। और इस ऐप का काफ़ी बड़ा साइज़ भी, ऑलमोस्ट 50 MB से ज़्यादा इस ऐप का साइज़ है। ऑल दो ये एक सुपर ऐप है, टाटा के जितने भी ऐप्स है उन सभी का मर्जिंग इस ऐप में आपको देखने को मिलेगा, इसके कारण ये ऐप काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाता है, लेकिन ये ऐप काफ़ी ज़्यादा स्लो है, साइनिंग करने के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। मैंने भी कल इस ऐप को डाउनलोड किया और जब मैं साइनिंग कर रहा था तब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे भी देखने को मिला। वैसे एक दिन के अंदर में ही 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया, तो कहीं ना कहीं सर्वर प्रॉब्लम्स तो होगा, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में टाटा ग्रुप इन ग्लीचेस को फिक्स करे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को सलाह कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता हूँ इस चैनल में। अगर आपको उन वीडियोस को भी देखना है तो आप ज्ञान एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट को क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।